रहे हैं, हम दुश्मन वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें जो जिन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है वो हम उसकी तरफ तुम्हारी अटेंशन ही नहीं है। जी वो ये तो इंडिया की लॉबी थी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे? मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको, उसकी मैं लॉजिक बताता हूँ। उसमें इंडिया हमारे से बहुत आगे चले गया, हर लिहाज से बहुत आगे है। हम बजाय उनसे कंपटीशन करने के हम बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो 0.5% पे आ गई हुई है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी से बिल्कुल जीरो पे है। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, आज भी, अभी भी, अभी भी आया। नवाज शरीफ के दौर में आया नहीं? हाँ, आपको नहीं पता? हाँ, वो तो आए थे, वो रात के अंधेरे में, वो तो सबके सामने आए थे ना। नहीं नहीं, वीजा था उनके पास, प्राइम मिनिस्टर हैं और नहीं, प्राइम होता है तो फिर वीजा नहीं, नहीं नहीं नहीं, हाँ वीजा तो लाजमी होता है। ये कौन सी लॉजिक है कि वीजे के बगैर किसी भी मुल्क में एंट्री हो जाओ? देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपने आप को कहाँ तक वो ले गए हैं। उन्होंने अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको उन्होंने मजबूत किया हुआ है, उसके ऊपर वो कारबंद हैं, उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया हुआ है, और उनके जो लॉज हैं आप देखें, जस्टिस सिस्टम उनका अच्छा है। तो जो यहाँ पे हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो सबसे पहले तो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैं। हम जितनी एक्सपोर्ट करेंगे जरे मुबादला उतना हमारे पास आएगा, तो सबको पता है, लेकिन चाइना करने नहीं देगा। इधर हर चीज जो उनसे नजर आ रही है, मोबाइल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है फिर हम गुलाम है ना। अमेरिका चाहेगा हम बैठ जाओ, हम बैठ गए। चाइना चाहेगा हम लेट गए तो हम लेट जाओ। तो फिर हम इंडिपेंडेंट तो ना हुए, आजाद मुल्क तो ना हुआ हमारा। जय हिंद दोस्तों, फ्रंटियर फीड्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपांशु शर्मा, और आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपको टॉपिक देखकर पता चल गया होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, सो अंत तक जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में हम फ्रिक्वेंटली वीडियोस लाते रहें। बात करेंगे कि 1,40,00,000,000 से ज़्यादा आबादी पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री किस तरीके से एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी पर कंट्रोल करता है। सेकेंडली, दूसरी साइड पर सिर्फ 22 से 25 करोड़ के करीब आबादी है, और उसमें किस तरीके से पॉवर्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कामरान। क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं, जबरदस्त। फिर तो अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए, क्योंकि फैक्ट के ऊपर थोड़ी बहुत बात हो पाएगी। ये बताएं, इस समय जो पाकिस्तान में सिचुएशन है महंगाई की, आटे की लाइन में लगते हुए लोग जाने दे रहे हैं, वजह क्या है? सेकेंडली, दूसरी साइड पे अभी IMF की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है वो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी पे बिल्कुल कंट्रोल कर चुका है, वहाँ से एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी खत्म हो चुकी है अकॉर्डिंग टू IMF। इतनी बड़ी आबादी वाला कंट्री एक्सट्रीम लेवल को ख़त्म कर चुका है, और हम यहाँ पे 22-25 करोड़ को नहीं फैसिलिटेट कर पाए। तो बुनियादी और मुख्तसर इसका जवाब तो यही हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, वसाइल सब कुछ मौजूद है, उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है। और बुनियादी जो मसला है वो फिर वही है कि करप्शन है, करप्शन की बेस पे जो नहीं लगता इंडिया में होगी। अब मेरे ख्याल से तो करप्शन इंडिया में भी होगी, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, थोड़ी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हो के वो तो हर कंट्री में करप्शन होती है। वो तो एक लेवल है, अब इंडिया भी एक कोई उसको हम एग्जाम्पल तो नहीं बना सकते ना, या वो कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन गया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों भारत ने, भारत की जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने एक इंटरिम बजट जो है वो पेश किया है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट थोड़ा अरसा पहले ही, थोड़ा अरसा बाद इलेक्शंस हैं और ये बजट आया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जिसने मुझे क्लिक किया है, एंड इफ़ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर
ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी द इंडियन इकोनॉमी, एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी, और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो ट्रिलियन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है, और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वॉज ए रिपोर्ट दैट वॉज पब्लिश बाई द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक, 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर, वो जो इंडिया ने एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटजिक गेम चेंजर, और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा आप ये कह लें, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक मसाइल है इसके अंदर, गो के अभी भी इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल जो इंडिया की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रीजनल रिपोर्ट एक इशू हुई थी दिसंबर में, जिसमें उन्होंने कहा था 74.1% ऑफ द इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ये बड़ी मैं अहम बात बता रहा हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि एक रीजनल रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी, उन्होंने कहा था 74% ऑफ इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021, ठीक है जी। पिछले साल यानी कि 2020 के अंदर 76.2% पीपल, सो इट मीन्स दैट इंडिया इज़ वर्किंग ओवर नाइट के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ये जो जिसे वो कहते हैं ना सपोर्ट दे रहे हैं, जो 250 मिलियन लोगों को है। देखिए 75% इंडियंस इफ दे आर नॉट हैविंग अ हेल्दी डाइट, आइदर दिस यू नो यू हैव टू आइदर क्रेडिट और डिसक्रेडिट दिस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में इंडियंस ये कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आजम रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर निकाला। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसको आप IMEC भी कह सकते हैं, ये एक नया ट्रेड कॉरिडोर है, जारी बात है, इस पर हमने पहले भी बात की हुई है, जो कि इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप के जरिए कनेक्ट करेगा, पर्टिकुलरली द शिपिंग लेन्स, उसकी जो शिपिंग लेन्स है, ठीक है, और कई जगह पे ज़मीन के ऊपर, कई जगह पे रेलवे के होंगे। अब ये जो जिसे कहते हैं ना, इसका जो एक ईस्टर्न कॉरिडोर होगा जो इसको मिडल ईस्ट के साथ कनेक्ट करेगा बाई शिप से, ये जो मुंबई और गुजरात और सारा इधर लेके जाएगा,
और जब चीज़ें जो हैं वो मिडल ईस्ट पहुंच जाएंगी तो वहाँ पर रेलवे के ज़रिए ये यूरोपियन आगे यूएई सऊदी अरब और ये सारे इसराइल से होता हुआ देन फिर शिप में जाएंगी और ये मेडिट्रेनियन में जाएंगी एंड देन दे विल एंटर इनटू ग्रीस। ठीक है, सो ये वो चीज़ कह रहे हैं। आपको पता है जो टर्किश प्रेसिडेंट थे उर्दगान थे, उन्होंने इस चीज़ पर बड़ा शोर डाला था। उन्होंने कहा हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल दैट एनी कॉरिडोर इज सक्सेसफुल विदाउट टर्की, आप कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस कॉरिडोर को देखें तो पहले ये जाता है इंडिया से यूएई, यहाँ से सारा ये लैंड का है पूरा सऊदी अरब गुजार के जॉर्डन एंड देन इट एंटर्स इन इजराइल एंड देन अगेन इनटू द मेडिटेरेनियन सी एंड देन इनटू द यूरोप। सो इंडिया समझता है कि हमारे लिए जो मिडल ईस्ट है वो एक ये ख्वाब इंडिया ने मिडल ईस्ट को दिखाया। ठीक है, लेकिन जारी बात है ये बात की बातें समझने की हैं कि मिडल ईस्ट को इससे क्या मिलेगा, यूरोपियंस को क्या मिलेगा और किस तरह। लेकिन इंडिया ने बेसिकली वो जो लार्जर बात हो रही है ना सप्लाई चेन की, कि जी वो जो चाइना प्लस की बात हो रही है, ठीक है, उसमें ये है कि इंडियंस को इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज है कि हम जो है वो इन चीज़ों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि वो कहते हैं हम जी हमने तो ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सा बनना है। ठीक है जी, और कई लोगों ने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो IMEC को लेके आए ताकि वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसका एक एस्पेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान से गुजरता है उसको काउंटर करना है। ठीक है जी, आप देखें कि चाइनीज़ ने हर जगह पैसे लगाए हैं, सुना है मिडल ईस्ट के अंदर भी उन्होंने कोई $300 अरब जो है वो पिछले 20 सालों में लगाए हैं। ठीक है जी, तकरीबन पिछले 20 सालों में $300 अरब का पैसा चाइनीज़ ने मिडल ईस्ट में लगा दिया है, इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है जी, और ये बड़े पैमाने पे, और ये टोटल आपको पता है BRI इज़ ए $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट। लेकिन इंडियन मिनिस्टर गवर्नमेंट जो है वो बड़ी होपफुल है कि हम इसको IMEC को ऑपरेशनलाइज कर देंगे। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पर और भी समझनी है, वो ये है कि इससे पहले एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से द अमेरिकन्स एंड द अदर कंट्रीज गैदर्ड इन ग्लासगो आज से 2 साल पहले, और वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हम पता नहीं $40 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट लेके आए, लेकिन कुछ भी नहीं था उसमें, वो कुछ कोई बोले नहीं थे, दे फेल टू गैदर द सपोर्ट। सो इंडिया अमेरिकन्स की एक पॉलिसी रही है, दिस हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी सिंस द कोल्ड वॉर फ्रॉम 70s 80s, के ये छोटे छोटे रीजनल ब्लॉक्स बनाते हैं, उन रीजनल ब्लॉक के साथ डील करते रहते हैं। जितनी बड़ी रीजनल ग्रुपिंग हो जाती है उतना ज़्यादा उनके लिए चैलेंज हो जाता है उन ममालिक को इंगेज करना। सो अमेरिकन्स ने रीजनल ब्लॉक, सो इसी को देखते हुए अभी भी वो सारे छोटे छोटे रीजनल ब्लॉक्स जो हैं वो बना रहे हैं। इंडिया कैसे IMEC को आगे लेके जा सकता है, इसका रेल शिप रेल रूट कैसे इस्टेब्लिश कर सकता है, और अमेरिकन इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। ठीक है, लेकिन दो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं, उन्होंने अपनी जो एनर्जी नीड्स है वो पूरी करानी है यूरोप की एंड देन उन्होंने इंडिया की। सो क्या इंडिया इतना बड़ा बायर है, कीपिंग इन माइंड इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इज इंडिया दैट मच बिग बायर कि वो सऊदीज अमरातीज और इनसे इतना तेल लेना चाहता है। देखें ये याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे द वे चाइनीज वॉन्ट टू कम फुलफिल देयर एनर्जी नीड्स, द इंडियंस ऑल्सो वॉन्ट टू फुलफिल देयर एनर्जी नीड्स, दैट इज़ वाई दे आर मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ। वो कह रहे हैं कि जैसे चाइना अपने जो सिल्क रूट है, जो न्यू सिल्क रूट है उसको देख के वो कर रहे थे, तो उनको भी इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है कि हम कैसे वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और कैसे चीज़ों को वो जो है ना किसी कंक्लूजन तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल ये जो पॉइंट अब मेरे सामने आता है, अब देखिए इंडिया को किस चीज़ का एडवांटेज है, इंडिया को इस चीज़ का एडवांटेज है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है 2024 की जो पहली यूनिकॉर्न है, ठीक है जी, यूनिकॉर्न इज़ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है भाई, और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप वाले हैं, इनका नाम है कृत्रिम SI डिज़ाइंस। इंडिया की जो पहली यूनिकॉर्न 2024 में आई है, और वो कहते हैं कि इस दफ़ा हम वी होप के हम जो है ना वो जो फंडिंग में कमी आई थी उसको आगे लेके चलेंगे।
पाकिस्तान तो कभी जाता है चीन के पास, कभी जाता है कुवैत के पास, कभी जाता है और कहता है कि आओ पैसा लेके आओ, और वो पैसा उस तरह नहीं लेके आ पा रहा। बट इंडिया का इस तरह का माहौल ज़रूर मौजूद है दैट ऑटोमेटिकली द पीपल आर कमिंग। ठीक है जी, इंडिया ने पिछले साल जो है वो दो यूनिकॉर्न्स जो रजिस्टर की थी। ठीक है जी, ये एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म है और इस वेंचर पार्टनर्स ये उन्होंने ही कहा है। ठीक है जी, टोटल जो है 47 यूनिकॉर्न्स थी और फिर 24 के अंदर 24 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो 2022 में आई। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी तादाद है कि यानी कि इंडिया के अंदर ये जो इंडिया रूट बना रहा है सारा, अगर यूनिकॉर्न्स आती रहती हैं, पैसा आता रहता है तो देन दैट्स वेरी फाइन फॉर इंडिया। फॉर एग्जांपल अगर 2021 में 47 यूनिकॉर्न्स थे, 2022 में अकेले 24 यूनिकॉर्न्स आए। ठीक है जी, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है जिसमें आरजू काजमी और कमर चीमा है, इन्होंने काफ़ी सही एनालिसिस किया है भारत के बजट के बारे में, भारत की फ्यूचर के बारे में, भारत के आईएमएफ कॉरिडोर के बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे भारत में 25 करोड़ लोग कम से कम ये गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, ये गरीबी से अपलिफ्ट कर चुके हैं, जो काफ़ी बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ है दोस्तों। क्योंकि अच्छे अच्छे मुल्कों में 25-30 करोड़ लोग भी नहीं होते हैं, रशिया की खुद की आबादी 12 करोड़ 10 करोड़ के आसपास है। तो ये भारत सरकार के लिए और हमारे भारत के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। बाकी का आगे देखते हैं हम। महिला पत्रकार वकील जो शीनी है हमारे देश की, उन्होंने कैसी लताड़ लगाई और कैसे इनको सारों को सब बताया है कि इंडिया का क्या बजट है और इंडिया का फ्यूचर क्या है। तो देखते हैं, कमी है और ना ही खेती की कमी है। आप जब हिंदुस्तान स्टार्ट कीजिएगा, आप देखिएगा कि खेत है तो खेत है, और जिसके लिए हमारे यहाँ कई योजनाएं भी आई, जय जवान जय किसान आया। अभी देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हैंडलूम एंड वेवर सेल भी खोल दिया। हैंडलूम एंड वेवर सेल मतलब कपड़ों के लिए भी एक अलग मोर्चा बना हुआ है हैंडलूम का, हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए। हैंडलूम में अगर कोई व्यक्ति है या कोई उसमें बिजनेस करना चाहता है तो वो उसको प्रधानमंत्री की योजनाओं से काफी सहूलत मिल सकती है, इनिशियल अमाउंट मिल सकता है ताकि वो उसको स्टार्ट कर सकता है। तो कम से कम मतलब आप हमारे हिंदुस्तान में अगर किसी के पॉकेट में 10,000 रुपए भी है तो वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। करने वाले 10 करोड़ में भी कर रहे हैं, मिलियन में भी कर रहे हैं, ये हमारे देश में ही है। टाटा है, अंबानी है, ऐसे लोग हमारे देश के ही हैं। तो आपके पाकिस्तान ने कभी भी जनता के बारे में सोचा नहीं है। जनता के बारे में अगर सोचा जाता तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत बहस होती, बहुत कन्फ्रंटेशन होता, बहुत आर्ग्यूमेंट होता और जनता के लिए एक लोक अदालत होती। पर आपके पाकिस्तान में कहीं पर भी लोक अदालत बोल करके कुछ भी नहीं है, या आपके हिंदुस्तान में कभी भी पब्लिक के वॉइस के लिए जो एक ड्रॉप बॉक्स होता है हर एक सरकारी दफ्तर के बाहर में, वो चीजें कभी भी नहीं है। पर यह चीज हमारे हिंदुस्तान में फैसिलिटीज है। तो जो छोटी से छोटी चीजें बोलिए या बड़ी से बड़ी चीजें बोलिए, आपके यहाँ देखिए कोविड का इंजेक्शन अभी तक नहीं बना। आपके पाकिस्तान में मोबाइल की फैक्ट्रीज है ही नहीं। आपके पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स है ही नहीं। आपके पाकिस्तान में कोई बहुत बेहतरीन मेडिकल हॉस्पिटल्स है ही नहीं। आपके पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन के लिए बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो है ही नहीं। तो जो कॉफ सिरप हम यहाँ पर 50 रुपए में खरीद रहे होते हैं, वही सेम कॉफ सिरप आप अपने पाकिस्तान में वहां पर 200-250 रुपए में या 222 रुपए में शायद खरीद रहे होते हैं, जितना मेरा इन्फॉर्मेशन है। तो आप सोचो, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।